हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। हम जा रहे हैं शिमला, अभी सुबह ही निकल गए थे, अंधेरा था इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी हम जा रहे हैं, पापा हैं और हस्बैंड हैं, हम जा रहे हैं अभी शिमला। रास्ते में पहुँचे हैं, यहाँ पे रुके थे छोटी सी ब्रेक के लिए, मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने सोचा नारकंडा तक रुक जाऊँगी लेकिन रुक नहीं पाई फटाफट से, इसलिए यहाँ रास्ते में ही रुक गए थे, एमरजेंसी सिचुएशन। फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं अपने फेवरेट होटल में, ढाबे में। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ पे चाय भी पियेंगे और अच्छी अच्छी सी धूप लगी है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है ना। ठंड भी लग रही है वैसे, स्वेटर्स भी नहीं लाए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पापा तो गाड़ी में ही बैठे हैं, उनको गाड़ी में ही दिया हमने चाय और चपाती, हम लोग खा रहे हैं, फटाफट खा लेते हैं फिर निकलते हैं, लेट हो जाएगी। अब चलते हैं फटाफट से, चलो चलो चलो। रश है ऊपर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट मैंने दे दिए हैं करने के लिए, अभी मैं जा रही हूँ वापस, रिपोर्ट्स आएंगी थोड़ी लेट, तो चलती हूँ अभी फटाफट। नेबुलाइजर के लिए लेनी है मुझे सामान, लेट करवाते करवाते दोपहर के 2 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं। अब जा रही हूँ मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट करने, जो हमने बाहर दी थी, थक गई, सांस ले लूँ पहले। अभी हम जा रहे हैं रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए और कुछ खा भी लेते हैं। और अभी भैया आए हैं, भैया बैठे हैं पापा के पास, ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स आई गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स थी जो बाहर से कलेक्ट करनी है, वही मैं सुबह दे के गई थी, उनको कलेक्ट करने जा रहे हैं और थोड़ा सा कुछ खा भी लेते हैं, थक भी गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब देखते हैं अभी क्या होता है, एडमिट करते हैं या फिर छुट्टी देते हैं, उसका कोई पता नहीं है अभी, बाद में। फ्रेंड्स, अभी हम खाना खाने ही गए थे, और खाना खाने के बाद मैंने पेमेंट करने के लिए क्या है पर्स, छोटा पर्स देखने लगी तो वो है ही नहीं मेरे पास, अब क्या करूँ, पता नहीं कहाँ है, खो दिया मैंने अपना पर्स, देखते हैं अब मिलता है या नहीं मिलता है। मैं 2 शॉप्स में गई थी, वहीं पे कहीं पे रह गया है मेरा, और अब देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने सोचा बैग में डाला है मैंने, देखती हूँ कहाँ होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और पैसे भी सारे उसी में ही हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, सब कुछ उसी में ही है, और अब देखती हूँ मिलता है या नहीं मिलता है। आप ये पैसे कहते बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिले हैं हमें अंकित, आगे क्या है रैक, अंकित रैक जी, तो मैं दिन को भी देख रही थी इनको तो
और हमारी मुलाकात हुई जी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। देखो कैसे मुलाकात मिल गया। मैं देख तो रही थी, मुझे लगा मैं लग तो रहे हैं वही हैं। अच्छा चलो आज बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा। मैं सोच रही थी पता नहीं कभी मिल पाएंगे हम लोग या नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। कहीं ना कहीं जी आप इनके ब्लॉग को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उनको ढेर सारा प्यार कीजिए। बाकी हम मिलते रहेंगे फिर से आपसे। थैंक यू सो मच। हाँ जी ठीक है जी। रात के लगभग 8:45 हो गए हैं और अभी भी हम हॉस्पिटल में। पापा को आज एडमिट किया है तो बस दिन भर ना थोड़ा सा मेरा पर्स खो गया था, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। लेकिन फिर बाद में हमने किसी से कैश लिया गूगल पे करके, क्योंकि मेरे पास ATM वगैरह कुछ भी नहीं बचा था। तो भैया भी आ गए थे, भैया आ गए थे तो थोड़ा सा जान में फ्रेंड्स, मेरा पर्स खो गया था। हमने सब जगह पता किया, बहुत जगह जहाँ शॉप्स में भूली थी मैं वहाँ भी पता किया, वहाँ भी नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग पुलिस जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे चेक करने गए कि शायद कोई वीडियो मिल जाए कि किसी ने उठाया है कहाँ से, तो वहाँ पे भी कहीं नहीं मिला और ना ही किसी ने वहाँ पे लिया था। हमने सोचा कि कोई भला मानुष होगा जिसको मिला होगा, उसने वहाँ पर कंट्रोल रूम में दिया होगा कि कोई आएगा लेने तो आप दे देना। वहाँ पर कोई पर्स नहीं मिला, मिले ही नहीं पर्स। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं कोई ग्रह टल गए होंगे। तो बस ऐसा रहा आज का पूरा दिन। चलो हो गया जो हो गया, हो गया, उसके लिए क्या रोना।